तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, आज है नेशनल सिनेमा डे और नेशनल सिनेमा डे में इस ओकेज़न का जवान भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और एक ज़बरदस्त ऑफ़र के साथ इस नेशनल सिनेमा डे को यादगार बना रहा है। आज की मैं एडवांस बुकिंग की बात करूंगा, आपको ज़बरदस्त तरीके से जो एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है भाई साहब हिल जाओगे बाय गॉड। आज 37वां दिन है और 37वें दिन में ऐसी एडवांस बुकिंग, इंडिविजुअली सिटीज़ की बात करूंगा, इंडिविजुअली सिटीज़ के जो आंकड़े हैं वो बताऊंगा, कितनी कमाई कर रही है, कितनी बुकिंग ली, कितनी क्या कहते हैं टिकट इन्होंने बेच दिए हैं। नेशनल चेन्स का मैं बताऊंगा, नेशनल चेन्स में पूरी हालत ख़राब करके रख दी है। देखो इस टाइम पर क्या हो रहा था, फुकरी 3 मिशन रानीगंज को काफ़ी सोच जमान के दे दिए गए थे, लेकिन आज मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, आज मिशन रानीगंज और फुकरी 3 से काफ़ी सोच वापस जवान को दे दिए गए हैं आज के डे पर। आज है 99 रुपये की टिकट जवान की और इसका फ़ायदा पब्लिक भी ज़बरदस्त तरीके से उठा रही थी। जब से ये न्यूज़ रिवील करी गई थी अराउंड 3 से 4 दिन पहले से ही रेड चिली और या फिर जवान के मेकर से ये चीज़ बार बार प्रमोशन में ला रही थी कि आज 99 रुपीज़ की टिकट ये कर देंगे, तो इस चीज़ का काफ़ी इंतज़ार काफ़ी लोग पहले से भी कर रहे थे। लेकिन आज की एडवांस बुकिंग बताने से पहले मैं कल और परसों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि परसों से ये रुझान बहुत हाई पीक पर देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी लोग जा रहे थे, मूवी को देख रहे थे, तभी मैं बता रहा हूं कि परसों भी अच्छी खासी कलेक्शन देखने को मिली, उसके बाद कल भी ज़बरदस्त कलेक्शन देखने को मिली है और आज तो भाई साहब तबाही मच ही रही है वो अलग। तो परसों की बात करते हैं, डे 35 की कलेक्शन के बारे में बताऊँ तो हिंदी से 1.03 करोड़ का कलेक्शन आया था और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिला के 1.04 करोड़ का आ गया था। टोटल हिंदी से परसों हो चुके थे 569.50 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिला के 628 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन ये कर चुकी थी। और पूरी दुनिया से ये मूवी परसों एंड ऑफ द डे तक मतलब डे 35 पर 1123.50 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर चुकी थी। बात करें कल यानी 6th Thursday यानी कल कैसी ग्रोथ थी, कल 36वें दिन पर और कल तो पोस्टर के साथ रेड चिली ज़बरदस्त तरीके से आज का प्रमोशन कर रही थी नेशनल सिनेमा डे के लिए, एक्साइटमेंट लोगों में ज़बरदस्त तरीके से भर रही थी। तो कल भी हिंदी से 1 करोड़ की कमाई करते नजर आई और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिला के 1.01 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आया और हिंदी से कल एंड ऑफ द डे तक 570.50 करोड़ आया और नेट इंडियन कलेक्शन 629 करोड़। ग्रॉस कलेक्शन कल हो चुका था 748 करोड़ और ओवरसीज से आ चुका था कल एंड ऑफ द डे तक 378 करोड़। पूरी दुनिया से ये मूवी कल 1125.50 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर चुकी थी, मतलब कल भी 2 करोड़ की ओवरऑल डे पर पूरी दुनिया से कमाई करी है मूवी ने। और कल हिंदी से बहुत ही अच्छा कलेक्शन देखने को मिला। देखो अब जो है ना, ये मूवी सिर्फ नॉर्थ बेल्ट में कमाई कर रही, सिर्फ हिंदी बेल्ट में कमाई कर रही, क्योंकि साउथ बेल्ट में बिल्कुल नहीं चल रही है। साउथ बेल्ट में आज का मैं अगर बताऊं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 करोड़ आ जाएगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन कल और परसों ज़बरदस्त तरीके से कमाई देखने को मिली, तो फैन फॉलोइंग देखो ना यार, लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस मूवी को, अभी भी चल रहा है, 37वां दिन है। आज की मैं बात करूं, आज तो एडवांस बुकिंग में धमाल हो गया। वैसे मैं एडवांस बुकिंग की वीडियो बनाता नहीं हूं, एडवांस बुकिंग कलेक्शन कवर अप नहीं करता हूं, इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी या फिर जितने हैं ओवरऑल जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है वही बताते हैं। तो आज का मैं अगर बताऊं तो दिल्ली NCR से 54 लाख का कलेक्शन आया है, 42,000 टिकट बेचे हैं। मुंबई से मैं बताऊं तो 37 लाख का एडवांस बुकिंग आया है और 30,680 टिकट ये बेची हैं मुंबई में। बेंगलुरु में 25 लाख आया है और 18,300 टिकट वहाँ पर सोल्ड आउट कर चुकी है। कोलकाता में 16 लाख का बुकिंग कल हुआ है और 15,000 टिकट वहाँ पर बेचे हैं। पुणे का मैं बताऊँ तो 15 लाख की एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त तरीके से, मतलब पुणे में इतना कलेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था, यही कलेक्शन ओवरऑल देखने को मिल रहा था एडवांस बुकिंग से 15 लाख या 16 लाख, बट एक इंडिविजुअली सिटीज़ में भी ये 15 लाख का कलेक्शन लेके आ रही है। पुणे 15 लाख की एडवांस बुकिंग 13,230 टिकट बेचे, लखनऊ 12 लाख एडवांस बुकिंग 10,580 टिकट बेचे, सूरत 10 लाख की एडवांस बुकिंग 8,000 टिकट बेचे, जयपुर 9 लाख की एडवांस बुकिंग 7,575 टिकट बेचे, अहमदाबाद 8 लाख की एडवांस बुकिंग 6,485 टिकट आज बेचे हैं, इंदौर का मैं बताऊं तो 5 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है और 4,400 टिकट बेचे हैं। इंदौर में इतना ज़्यादा कलेक्शन कभी देखने को ही नहीं मिला, लेकिन आज 37वें दिन में आते आते मूवी ने
5 लाख की एडवांस बुकिंग करी है। तो जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिल रहा है, जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है, मूवी को हाई पीक पर चल रही है। मतलब मिशन रानीगंज, फुकरे 3, मुझे नहीं लग रहा कि आज इन मूवीज की इतनी अच्छी कलेक्शन होने वाली है। ऊपर से आज फ्राइडे है, कल सैटरडे वीकेंड ऑफ रहता है, तो लोग वैसे भी आज नाइट में तो बहुत ज्यादा हाउसफुल रहने वाले, इवनिंग से नाइट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ग्रोथ। तो इसी के साथ अगर मैं बताऊं तो हिंदी से आज एडवांस बुकिंग करी है मूवी ने 2.97 करोड़, जिसमें से 2,75,000 टिकट मूवी ने बेचे हैं आज। 2,75,000 टिकट सिर्फ एडवांस बुकिंग बता रहा हूँ। रनिंग ऑडियंस जो वहां जाके टिकट खरीदेगी उसका कलेक्शन अलग होगा, ये सिर्फ एडवांस बुकिंग का कलेक्शन है 2.97 करोड़। और आज अगर मैं, चलो अभी एक प्रिडिक्शन देते हैं, आज अगर मैं बताऊं तो हिंदी से ही लगभग 4 करोड़ कहीं नहीं गए, मिनिमम 4 करोड़ कहीं नहीं गए। ये मूवी हिंदी से 4 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन करने वाली है। तो आज मूवी को कितने शोज मिले हैं, 2,750 शो। तो वही आज 37वें दिन तक आते आते ये मूवी 2,750 शोज अपने खाते में रख चुकी है, जो मिशन रानीगंज, जो नई ताजी फिल्में आई थी मिशन रानीगंज, फुकरे 3, इनके शोज वापस ले लिए जवान ने। तो थिएटर हाउस के मालिकों को मजबूरन ये करना पड़ा, क्योंकि जवान को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो बाय गॉड उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए, और जनता को भी वही चीज़ दिखाएंगे जो जनता पसंद करती है। तो यस, आज 2,750 शोज इस मूवी को दिए गए हैं। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज की अगर मैं बताऊं तो 45-50% की ऑक्यूपेंसी है थिएटर हाउस में सुबह से लेकर रात तक। तमिल तेलुगु का मैं क्या बताऊं, तमिल तेलुगु में बहुत कम एडवांस बुकिंग हुई है, लगभग 4 लाख के आसपास। इसी के साथ नेशनल चेन्स की मैं बात करूं तो नेशनल चेन्स में तो रुझान पूरा पलट के रख दिया है, नेशनल चेन्स का बहुत ज़्यादा हाथ है इस एडवांस बुकिंग को, जो 2.97 करोड़ की एडवांस बुकिंग देख रहे हो इसको यहां तक लाने के लिए। PVR से 97 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है और 85,000 टिकट उन्होंने बेचे PVR से। सिनेपॉलिस से 38 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है और 35,700 टिकट बेचे हैं। आयोनेक्स से 78 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है और 73,800 टिकट इन्होंने बेचे हैं आयोनेक्स से। तो तीनों को मिलाकर हिंदी से मूवी ने 2.14 करोड़ का एडवांस बुकिंग कलेक्शन सिर्फ नेशनल चेन्स से किया है। जो 2.97 करोड़ दिख रहा है उसका एक पार्ट 2.14 करोड़ सिर्फ नेशनल चेन्स का है। तो टोटल टिकट कितनी बेची यहां से, 2,75,000 टिकट इन्होंने बेची है सिर्फ नेशनल चेन्स से। और हिंदी 2D में तो मामला खचा खच भरा है, 2D में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है मूवी को। तो आज नेशनल सिनेमा डे में जबरदस्त ग्रो कर रही है मूवी, और ये नेशनल सिनेमा डे बहुत यादगार रहने वाला है, क्योंकि जवान यहाँ पर भर भर के ऑफर दे रही है और जबरदस्त तरीके से ऑफर दे रही है। तो आज ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है ये आप लोग बताएंगे, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज आप लोग बताएंगे ये मूवी कितनी कलेक्शन आज टोटल कर सकती है, और पूरी ओवरऑल कलेक्शन ये मूवी कितना कर सकती है, 1,150 करोड़ के ये टच कर पाएगी आने वाले 7 से 8 दिन में। जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।